वाह जिंदगी, एक नई पहल। दोस्तों, जीवन में छोटी छोटी बातें बड़े महत्व की होती हैं और कई बार ये मनुष्य के चरित्र, उसके व्यवहार और आचरण के विषय में बहुत कुछ कह जाती हैं। आइए आपको एक घटना सुनाता हूं। स्वामी विवेकानंद की आदत थी कि जब भी वो कहीं बाहर जाते थे, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते थे। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद पहली बार अमेरिका जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने स्वामी परमहंस की पत्नी मां शारदा से आशीर्वाद प्राप्त करने की सोची। उन्होंने मां शारदा से कहा, हे मां, मैं विश्व में भारतीय संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों का प्रसार करना चाहता हूं। इसके लिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, अतः मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। मां शारदा ने विवेकानंद को सर से पांव तक देखा और कहा, मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगी। विवेकानंद अचंभित हुए, मां ने ऐसा क्यों कहा? स्वामी विवेकानंद ने पुनः कहा, हे मां, मैं यहां केवल आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं, कृपया अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। मां शारदा ने पुनः कहा, मैं इस विषय पर विचार करूंगी। अब विवेकानंद बहुत असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैं तो शालीनतावश इनका आशीर्वाद मांग रहा, तो इन्हें दिक्कत क्या है? इतनी हितकचाहट क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मां ये ना चाहती हूं कि मैं अमेरिका जाऊं? विवेकानंद का दिमाग उलझनों में फंस गया। इसी बीच मां शारदा ने कहा, बेटा, वो चाकू वहां पड़ा है, उसे उठाकर देना। विवेकानंद ने वो चाकू उठाकर मां शारदा को दे दिया। चाकू प्राप्त करने के बाद मां शारदा मुस्कुराई और कहा, पुत्र, तुम्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तब विवेकानंद ने कहा, हे मां, क्या मेरे चाकू उठाने और आपके आशीर्वाद देने के बीच में कोई संबंध है? तब मां ने कहा, हाँ, मैं ये देखना चाहती थी कि तुम चाकू को कैसे मुझे देते हो। तुम चाकू का धार वाला हिस्सा पकड़ते हो या उसका लकड़ी वाला हिस्सा? तुमने चाकू की धार को पकड़ा और लकड़ी वाला हिस्सा मुझे दिया। जहां तक मैं समझती हूं, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तुमने इस बात का ख्याल रखा कहीं मेरे हाथ न कट जाएं। जब तुम दूसरों के दर्द पीड़ा के प्रति इतने संवेदनशील हो, तो तुम्हारे रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी। एक व्यक्ति जो खुद की सुविधा से ज्यादा दूसरों की पीड़ा की परवाह करता है, वो हमेशा सुखी और समृद्ध बना रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल हमें अपने हितों के ध्यान रखने की बजाय दूसरों को हितों के विषय में भी सोचना चाहिए, दूसरों की तकलीफों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए, तभी हम एक खूबसूरत विश्व बना पाएंगे।